हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट टू डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद की कहानी, यानी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया था तो उस समय क्या चीजें हो रही थी पूरे देश में, इस चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, अब हम लोग इस चैप्टर को चार पार्ट्स में पढ़ने वाले थे, जिसमें हम लोग ने ये वाला पोर्शन पढ़ लिया है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, पहली बात यह है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने लास्ट में शायद ये कह दिया था कि ये अडॉप्ट हुआ था कलकत्ता सेशन में, वो मिस्टेकनली बोल दिया, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इट वॉज अडॉप्टेड इन नागपुर सेशन। मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे, तो यस, यू पीपल वर राइट, ये नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंट्री के एरिया में कहाँ कहाँ किस किस तरीके का मूवमेंट चल रहा था और लोग किस किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, इसको आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज मुझे और याद आ गई है, वो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको कल बताया था कि गांधी जी जब इंडिया पहुंचे तो मैंने वहां पर आपको उनके तीन उनके मूवमेंट्स के बारे में बताया था, तीन सत्याग्रह के बारे में बताया था। और पहला मैंने आपको बताया था चंपारण कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और मैंने इसका आपको इश्यू भी बताया था कि प्लांटेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था गांधी जी का। उसके बाद अब आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, और पहले चीज तो याद रखिएगा ये हुआ कब है, ये हुआ है 1917 में। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में ये डेट में फर्क आया है, प्लीज करेक्ट इट। 1917 में यहाँ पर चंपारण मूवमेंट हुआ था, और जिस सीक्वेंस में हुआ था इसके आगे वो भी याद रखिएगा। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ है, ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, और मैंने बताया था ये क्यों हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इशू क्या था कि यहां पर भी एक महामारी फैल गया था, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से जो यहां वर्कर्स थे वो वापस चले गए, जा रहे थे, तो मिल के ओनर ने, जो अंबालाल सारा भाई था, उसने वर्कर्स को रोकने के लिए उनको इंसेंटिव्स देना शुरू किया। और जब इंसेंटिव्स दिए तो ठीक है, लेकिन जब ये सारा महामारी और एपिडेमिक खत्म हुआ, जब वर्कर्स वापस आए तो उसने वो इंसेंटिव्स घटा दिए। तो यहां पर वो सारे वर्कर्स एजिटेट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको पहले जो इंसेंटिव्स मिलते थे उतने ही मिलने चाहिए। इस इशू पे यहां पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। और एक चीज यहां याद रखिएगा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ, ये हुआ था 1918 में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद गांधी जी का जो थर्ड सत्याग्रह था वो था खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह में आप देखेंगे तो ये हुआ था बेसिकली, यहां पर उनसे रेवेन्यू बहुत ज्यादा मांगा जा रहा था जो पीजेंट्स होते थे, और क्रॉप्स का फेलियर हो चुका था उस साल। आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द लास्ट वीडियो, क्रॉप्स फेल कर गई थी, क्रॉप्स फेलियर, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटीज थी वो इनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा यहां पर ट्रेंट एक्सेट्रा मांग रहे थे, जिसको यहां पर गांधी जी ने कहा था कि आप लोग मत पे करिएगा। इस पे यहां खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, और खेड़ा भी जो हुआ है बच्चों वो भी 1918 में हुआ था, बट अहमदाबाद के बाद हुआ था। तो अगर आपसे कभी आ जाए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, तो सबसे पहले चंपारण हुआ था बिहार, फिर उसके बाद हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में डेट दूसरी दी हुई थी, लेकिन जब नया एनसीईआरटी आप रेफर करेंगे तो आपको इसी हिसाब से चलना है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने लास्ट में जब कल खत्म किया था लेक्चर, जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट वन था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया नागपुर सेशन में। और जब ऐसा हुआ तो सिनारियो क्या निकल के आया, ये देखते हैं। देखिए, सिनारियो कुछ ऐसा था कि गांधी जी इमर्ज्ड
एज द गांधी जी इमर्ज्ड एज द मेन लीडर. तो गांधी जी ने पूरा लीडरशिप जो है वो गांधी जी को मिल जाती है, और जो मेन उस वक्त थिंकिंग हो जाती है, मेन डोमिनेंट थिंकिंग थी, दैट वॉज गांधीजम. लोग गांधीजम को यहां पर फॉलो करने लगे थे, मेन आइडियोलॉजी हो गई थी गांधीजम. ये बेसिक चेंज आ गया था नॉन कॉपरेशन के टाइम पे. ठीक है, इसको याद रखिएगा. अभी मैं आपको समझा रहा हूं वो चीज, चैप्टर शुरू नहीं हुआ है अभी, मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दे रहा हूं इन हालातों में ताकि आपको रटना ना पड़े. तो गांधी ही इमर्ज एज अ लीडर नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, और दूसरा चीज गांधीजम वॉज द मेन आइडियोलॉजी. मेन आइडियोलॉजी जो लोग सबसे ज्यादा सोचते थे वो अब था गांधीजम के ऊपर. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. और इंपॉर्टेंटली आप यहां गौर करें इस मूवमेंट पे, तो ये जो मूवमेंट था वो एक मल्टी क्लास मूवमेंट बन चुका था. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. मल्टी क्लास मूवमेंट का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप देखिए इससे पहले जितने भी मूवमेंट्स होते थे वो कोई ना कोई क्लासेस होती थी वही करती थी. जैसे वीवर्स थे, मैंने आपको दिया था एक मूवमेंट के बारे में, वीवर्स ने खाली अटैक किया था अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पे, वो वीवर्स का मूवमेंट था. लेकिन ये जो मूवमेंट आया, इस मूवमेंट में कई सारी क्लासेस जुड़ गई थी. खाली एक सेक्शन का सोसाइटी नहीं था, कई सेक्शन की सोसाइटीज थी. स्टूडेंट्स भी यहां पर रिवोल्ट कर रहे थे, यहां पर टीचर्स भी थे, यहां पर वुमेन भी थी, ये सब लोग यहां पर पार्टिसिपेट किए हुए थे. तो बेसिकली जो मूवमेंट एक नेशनल मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट, वो एक मल्टी क्लास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंटली ये एक ज्योग्राफी, ये जो मूवमेंट था इसका जो कवरेज था, वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज, मतलब कहने का ये है कि ये वाला मूवमेंट बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुका था. वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज. एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं बिजौली मूवमेंट, राजस्थान में हुआ था ये मूवमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में मूवमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं खाली कि ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी लेटर फेजेस में पढ़ोगे, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं कि देखिए वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज, राजस्थान तक ये मूवमेंट पहुंच चुका था. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंटली और उससे इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, कि जो अनटचेबिलिटी थी अभी तक हमारे कंट्री में, अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का जो इशू था वो एक नेशनल इशू बन गया था. अभी तक तो इतना ज्यादा ही फैलता नहीं था, लेकिन अब इस मूवमेंट के बाद से अनटचेबिलिटी का इशू एक नेशनल इशू बन चुका था. और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हिंदू और मुस्लिम, ये यूनिटी जो थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये अपने इस वक्त पीक पर थी. और आपको रीजन पता ही है, खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, उस वक्त क्या हुआ था, मुस्लिम्स और हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए थे. हालांकि वो अलग बात है कि मुस्लिम्स वर फाइटिंग फॉर अ डिफरेंट कॉज, बट गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहां हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ आ जाएंगे तो ब्रिटिश को यहां पर ये एक मैसेज जाएगा कि हिंदू मुस्लिम्स आर यूनाइटेड एंड दे विल फाइट टुगेदर. तो इससे ब्रिटिशर्स थोड़े घबराएंगे, ये ऑब्जेक्टिव था. तो एनसीएम के टाइम पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने चरम पे थी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है, लेकिन आप देखिए कि खिलाफत मूवमेंट हुआ या फिर नॉन कोऑपरेशन हुआ, इन सब में हुआ क्या कि भैया ये सब मूवमेंट तो चल रहे थे, लेकिन इन मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जुड़ते चले गए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारे यहां पर आपको सोशल ग्रुप्स दिखेंगे जो यहां पर ज्वाइंट हो गए थे इस मूवमेंट से, ज्वाइंट. लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये सब लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे थे, ये यूनाइटेड नहीं थे. मतलब ये लोग पार्टिसिपेट तो किए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहां पर किस एनसीएम को किस साथ, किस चीजों के साथ अडॉप्ट किया गया था, मैंने बताया था आपको, खिलाफत इशू के ऊपर, याद है, पंजाब इशू के ऊपर, पंजाब इनजस्टिस, मैंने आपको ट्राइंगल डायग्राम बनवाया था, और स्वराज. तो यहां पर जो जितने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, जब वो ज्वाइन करते हैं एक साथ, तो अब उनके सारे सबके व्यूज अलग अलग होते हैं स्वराज को लेकर. कोई कुछ समझ रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कोई किसी और, कोई जो है अलग मीनिंग निकाल रहा था नॉन कोऑपरेशन का, अलग अलग. ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहां पर बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सोशल ग्रुप्स ज्वाइन थे बट दे हैड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस.
डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ये प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली यहां पर जो चीज आई वो ये कि पूरे कांग्रेस पे जिम्मेदारी ये थी कि इन सभी अलग अलग क्लासेस ऑफ लोगों को यूनाइट करना, ये मेन चीज था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अगर हम देखें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कहानी को कि बेसिकली उस वक्त यहां पर क्या हो रहा था, तो देखिए जरा ये आप डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ऐसे याद कर लीजिए। पहला चीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रहा हूं आपको मैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ। पहली चीज तो ये है कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार आपको देखिएगा कि मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको किसी मूवमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए इज क्लियर। दूसरा चीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया। किसको? स्टूडेंट्स ने बेसिकली क्या किया, बॉयकॉट। और बॉयकॉट क्या किया उन्होंने, दे बॉयकॉटेड द स्कूल्स, दे बॉयकॉटेड द कॉलेजेस, इन्होंने इन चीजों को बॉयकॉट कर दिया। नंबर टू याद रखिएगा, आपसे आ जाएगा कि भाई सिनारियो क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो यही सिनारियो था, आपको ऐसे लिखना है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वॉज ये देखने को मिला, फिर उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स दे बॉयकॉटेड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सी टीचर्स एंड आप देखोगे जो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स एंड द हेडमास्टर्स, इन्होंने भी यहां पर क्या किया, दे ऑल्सो बॉयकॉटेड द स्कूल्स। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वो यहां पर पार्टिसिपेट किए। तो देखिए एक बार बता दिया आपको मिडिल क्लास, फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स का सेक्शन, फिर देखिए टीचर्स एंड हेडक्वार्टर्स, और डी वाला पॉइंट ये है कि लॉयर्स इन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। किसको? बॉयकॉटेड देयर प्रोफेशन, इन्होंने अपनी प्रोफेशन को बॉयकॉट किया, ये लोग कोर्ट जाना बंद कर दिए। ये सिनारियो यहां पर चल रहा था। और साथ में ये तो आपने देखा जो सिनारियो था कि अलग अलग सोशल ग्रुप ज्वाइन किए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी ई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर इलेक्शंस होने थे, काउंसिल इलेक्शंस होने थे, इस इलेक्शंस को टोटली बॉयकॉट किया गया था, टोटल बॉयकॉट ऑफ द काउंसिल इलेक्शंस। बट रिमेंबर, अब सुनिएगा क्या चीज बट, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, लेकिन यहां क्या हुआ कि एक ऐसी पार्टी थी जिसने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था, और वो थी जस्टिस पार्टी, और ये पार्टी मद्रास की थी। ठीक है, दिस वॉज दी ओनली पार्टी जिसने यहां पर काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था। रेस्ट जितने भी थे उन्होंने सबने जो है काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया। अब इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर हम काउंसिल्स में एंट्री कर पाते हैं तो दैट इज दी ओनली वे कि हमको पावर मिल पाएगी, और हमें पावर मिलेगी तभी हम यहां पर कोई चीज रिवोल्ट, ब्रिटिश है इंग्लैंड है उसके खिलाफ हम आवाज उठा पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने का तरीका इनको लगा कि एक ही है, और वो ये कि हम इलेक्शंस लड़े, हम इलेक्शंस जीते, तभी हम पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं या फिर इन काउंसिल्स में जाके बैठ सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक द डिसीजंस। समझ में आया ये चीज? ये पूरा सिनेरियो आपको ऐसे याद होना चाहिए। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया, स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया, टीचर्स और हेडमास्टर्स भी बॉयकॉट कर रहे थे, लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, और इलेक्शन जो काउंसिल के इलेक्शंस थे उसको बॉयकॉट कर दिया गया। ठीक है, ये तो इतना सिनारियो था। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं, सिर्फ इतना नहीं था। और देखिए, ये तो खाली चीज मैंने आपको बताई जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर थे, सोसाइटी में अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने पॉलिटी बताया आपको कि लोगों ने इलेक्शन काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, लेकिन इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रहे थे, इकोनॉमी में यहां पर क्या क्या चीजें एनसीएम के टाइम में आई थी। देखिए, नंबर वन, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, पॉइंट नंबर ए। ये सब इकोनॉमिक चेंजेस हैं, देख लीजिए, क्लियर, फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड। नंबर टू,
लिकर शॉप्स जो थी लिकर, उनको उनकी वहां पर क्या हो लूटने लगे। लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, लिकर शॉप्स क्या होने लगा, पिकेटिंग होने लगी इनकी, मतलब लूटे जाने लगे ये शॉप्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि जो फॉरेन क्लोथ्स थे भाई, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया कि हम उनको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और जो फॉरेन क्लोथ थे क्लॉथ, उनको यहां पर बर्न्ड कर दिया गया, जला दिया गया था। प्लस थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हुआ कि जो यहां पर फॉरेन इंपोर्ट होता था, फॉरेन इंपोर्ट यहां पर टोटली क्या हो गया, हाफ हो गया था, हाफ्ड। ठीक है, ये चीज आप और बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर है। नंबर फाइव देखिए, ई मर्चेंट्स जो थे, मर्चेंट्स और जो यहां पर ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने मना कर दिया था कि वो लोग फॉरेन गुड्स में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स में जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये चीज उन्होंने मना कर दी थी, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, याद रहेगा पॉइंट नंबर ई। और पॉइंट नंबर एफ देखिए, एफ पॉइंट है कि खाली जो इंडियन क्लॉथ था, इंडियन क्लॉथ को यहां पर खाली यूज किया जा रहा था पहनने के लिए, वियर करने के लिए। यह थी पूरी यहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन, इसको भी आप यहां थोड़ा सा याद रखिएगा कि यह है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, यह क्लियर हो गया यहां तक, देख लीजिए एक बार। फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, जो लिकर शॉप्स थी उनको पिकेटिंग हुई, उठाने लगे ऐसी सामान वहां से, फॉरेन क्लॉथ जो था उसको जलाने लग गए, फॉरेन इंपोर्ट जो होता था वो इंपोर्ट इमीडिएटली हाफ हो गया, इंपोर्ट बंद कर दिया कि हम फॉरेन चीजें मंगाएंगे ही नहीं अपने यहां। साथ में जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये जो मर्चेंट्स हैं, इन मर्चेंट्स ने मना किया कि हम लोग जो है फॉरेन गुड्स में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट वॉज कि इंडियन क्लॉथ का ही खाली यूज होने लगा। तो ये सब चीजें थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हो रही थी। याद करिएगा, दोनों ही स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे मिडिल क्लास का सपोर्ट था, उसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बायकॉट किया, लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, इलेक्शन काउंसिल को बायकॉट कर दिया गया, उसके इलेक्शंस जो होने थे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फॉरेन गुड्स को यहां बायकॉट किया गया, लेकर शॉप्स की यहां पर पिकेटिंग हो गई, फिर उसके बाद देखिए फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया गया, फॉरेन इंपोर्ट जो होता था उसको एकदम आधा कर दिया गया, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने ट्रेड करने से मना कर दिया, और सिर्फ इंडिया के जो कपड़े थे उसी को यहां पर यूज करने लगे थे। ये सब चीजें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा थी। लेकिन देखने में जो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत बढ़िया था, लेकिन यहां पर भी इस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी। अब जरा लिमिटेशन सुनिए, देखिए अगेन फोर पॉइंट्स ये मैं आपको बता रहा हूं लिमिटेशंस, यानी इस मूवमेंट में सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी यहां पर कुछ कुछ चीजों की कमी रह गई। अब आपकी एनसीईआरटी में आपको ये पॉइंट अलग से मिलेगा नहीं, लेकिन लिखे हैं वहां पर एक लाइन मिलेगी, खादी वॉज एक्सपेंसिव, तो ये लिमिटेशन हो गया ना उसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या क्या कमियां थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, क्या कमियां थी, तो आप देख लीजिए क्या कमियां थी, मैं आपको बता दे रहा हूं। प्लीज सी पॉइंट नंबर ए, अभी जो मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था, लेकिन जो लिमिटेशन थी वो ये कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत इंप्रेसिव नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये चीज याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि मिडिल क्लास का जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन था, मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई, लोग तो हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं लेकिन इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, पहली बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये आई, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वॉज नॉट गुड। ठीक है, नंबर टू देखिए क्या था, नंबर टू
जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जो हमारे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, वो बहुत ज्यादा कम थे, और कम होने की वजह से जो बच्चे थे दे वेर फोर्स्ड टू मूव टूवर्ड दी टू गो टू दी गवर्नमेंट स्कूल्स। अरे आपके खुद के नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कम है ही नहीं, तो बच्चे लोग कहां पढ़ने जाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे अल्टीमेटली, और गवर्नमेंट स्कूल ब्रिटिशर्स के थे। हम बात कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, हमें बात करनी है बॉयकॉट करने का, लेकिन मजबूरी पड़ गई जब आपके यहां नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो यहां बच्चा कहां पढ़ेगा? बच्चे को जाना पड़ा कहां? सरकारी स्कूलों में। तो सेकेंड पॉइंट, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये क्या थे? ये बहुत ज्यादा कम थे। जब ये कम थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स दे वेर फोर्स्ड टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, लिमिटेशन हो गई ना ये। नंबर थ्री देखिए, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन कम था, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कम थे, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स होना शुरू हो गए थे, कम्युनल राइट्स बहुत बढ़ गए थे। समझिए इस चीज को आप, कम्युनल राइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक राइट था, एक यहां पर विद्रोह हुआ था जिसको हम बोलते हैं मोपला रेबिलियन। मोपला एक्चुअली एक जगह का नाम है, ये केरला में है। यहां पर एक बहुत बड़ा रेबिलियन हुआ था और उसके वजह से ये कम्युनल राइट्स फैल गए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये भी देखने को मिला कि कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा फैल गए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी में जो लॉयर्स थे, भाई हमने क्या बताया, लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, बायकॉट कर दिया, लेकिन भैया लॉयर्स थे तो कमाएंगे कहां से? भूखे पर थोड़ी मर जाएंगे, रोटी भी खानी है ना, तो रोटी कैसे कमाएंगे? जब नौकरी पे जाएंगे तो वो लॉयर्स बहुत एक टाइम के बाद वापस अपने प्रोफेशन में चले गए, तो जो बॉयकॉट किया था वो फिर यहां फेल हो गया। ये हो गया उसकी लिमिटेशन, हो गया कि नहीं हो गया लिमिटेशन। तो लॉयर्स रिटर्न्ड बैक टू देयर वर्क। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। और पांचवा पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी में एक्चुअली दिया हुआ है, ओपनली लिखा हुआ है, वो ये कि खादी वॉज एक्सपेंसिव। आप कह रहे हैं कि फॉरेन क्लोथ मत पहनो, तो भैया ये तो बताओ क्या पहने? तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है खादी पहन लो। अब खादी के दाम जो है बोलो फॉरेन गुड्स से भी ऊपर निकल जाए, तो क्या फायदा फॉरेन गुड्स का यहां पर वो करने का, उसको उसका इंपोर्ट बैन करने का, उसका यूज आपको आप मना कर रहे हो, बायकॉट करने को कह रहे हो, क्या फायदा? खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट वॉज खादी वॉज एक्सपेंसिव, तो लोग पहनेंगे क्या? और जब लोग ये खादी नहीं पहन पाए तो अल्टीमेटली लोग जो है वो फॉरेन क्लॉथ पे चले गए, वही पहनेंगे। ठीक है, और जब वही पहनेंगे तो ये जो एनसीएम है ना, जो अपन बात कर रहे हैं, ये जो एनसीएम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये फेल हो जाता है। इन रीजंस की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहां पर लिमिटेशंस देखने को मिलती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सब जो आपने देखा, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपने सीन देखा यहां से लेकर, ये पूरा सीन आप देख रहे हैं, ये चल रहा है सब कुछ सिटीज के अंदर, शहरों में ये चीजें हो रही हैं, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कंट्री साइड की तरफ कि रूरल एरियाज में क्या हो रहा था, उसको भी हमको देखना है कि रूरल एरियाज में क्या चल रहा था। चलिए देखिए, तो ये तो आप याद रखिएगा, मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं, हालांकि ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये वाला चीज, ये सब कहां चल रहा था? ये सब सिटीज का पार्ट था। ठीक है, ये सब शहर की बातें थी, ये सब शहर के मूवमेंट्स थे। अब हम अगर बात करें यहां पर कि रूरल साइड में क्या चल रहा था, तो नंबर फिर लिखिए, आप हेडिंग डाल सकते हैं रेबिलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब यहां पर रूरल एरियाज हो गया, ग्रामीण इलाके हो गए, या जो गांव होते हैं वो हो गए। तो क्या रेबिलियन था कंट्री साइड में? अब कंट्री साइड में रेबल करने वाले दो लोग थे, पहले तो पीजेंट्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, और दूसरे यहां पर वो थे ट्राइबल्स। तो हमें क्या करना है अब मैं आपको दोनों पीजेंट्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ट्राइबल्स के मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोनों लोगों ने किस तरह से यहां पर मूवमेंट किया है वो हम यहां पर अब पढ़ेंगे।
ठीक है। तो चलिए पहले हम ट्राइबल से देखते हैं, सॉरी पीजेंट से देखते हैं। तो अगर हम गांव की तरफ देखें कि रूरल एरियाज में क्या हो रहा था, तो उसको यहां समझने के लिए सबसे पहले तो आप सीधे सीधे, मैं आपको यहां पर फिर से एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी पीजेंट्स की, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, ये आप इसको ऐसे कर लीजिए, इससे मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं पीजेंट्स की। अब देखिए जरा फिर से चार पॉइंट लिखिए जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर ए में पीजेंट्स जो है उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है यहां पर। तो पीजेंट्स के यहां पर क्या होते हैं, पीजेंट मूवमेंट होते हैं। अब यहां पीजेंट मूवमेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी ने भी कोट किया गया है कि यहां पर एक मूवमेंट हुआ था, इसके बारे में यहां लिख दे रहा हूं। अब यह मूवमेंट क्या हुआ था, पीजेंट मूवमेंट हुआ था, इसको यहां पर किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने ये, एक मिनट, तो ये हम बात कर रहे हैं, तो बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट शुरू किया था, एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था, और ये मूवमेंट जो था ये हुआ था, ये एक तरीके से एग्रेरियन राइट्स थे, एग्रेरियन, ठीक है चलिए, एग्रेरियन राइट्स। एग्रेरियन राइट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे राइट्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर को लेकर यहां पर बहुत ज्यादा बवाल हो गया, राइट्स एग्रीरियन राइट्स, आर आई टू एस, राइट्स, दंगे हो गए, और वो दंगे किससे लेकर रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर को लेकर रिलेटेड थे। तो एग्रीकल्चर राइट्स आपको देखने को मिले। अब ये जो बाबा रामचंद्र के ने शुरू किया था, भाई क्या हो गया था वहां पर, हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या मोमेंट था, मोमेंट ये था कि वहां पर जो तालुकदार थे या जो जमींदार थे, लैंड ओनर्स, वो बहुत ज्यादा रेंट डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा सेस मांग रहे थे, और इसी के खिलाफ वहां के जो आपको ये जो पीजेंट्स हैं वो इनके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और उस रिवोल्ट को बाबा रामचंद्र लीड करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको पीजेंट मूवमेंट, तो एक पीजेंट मूवमेंट हुआ जिसको बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। ये क्या मूवमेंट था, ये एक एग्रीरियन राइट था, एग्रीरियन राइट मतलब एक एग्रीकल्चर राइट था। कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका अवध में, ठीक है, अवध में हुआ था, जिसको आप लिख सकते हैं यूपी के अंदर है ये। तो यहां पर ये मूवमेंट हुआ था, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ये तालुकदार के अगेंस्ट हुआ था, तालुकदार हो गए, ठीक है, लैंड ओनर्स हो गए, इनके खिलाफ यहां पर ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों हुआ था, बिकॉज दे वर डिमांडिंग हाई, यहां पर क्या मांग रहे थे, रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू उनसे डिमांड कर रहे थे, इसकी वजह से यहां पर ये मूवमेंट हुआ, हाई रेवेन्यू, हाई सेस, ये सब चीजों की डिमांड जो है वो कौन कर रहा था, तालुकदार कर रहे थे। तो बेसिकली यहां पर लोगों ने, जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने रिवोल्ट किया, और उस रिवोल्ट को एक राइट का रूप मिल गया, एग्रीकल्चर राइट्स हुए, जिसको यहां पर बाबा रामचंद्र ने यहां लीड किया था। तो आई होप आपको ये एक मूवमेंट याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और कोट करता हूं, अब जगह नहीं है, खैर आप देख लीजिए, मैं आप बता दूंगा। तो देखिए एक यहां एग्जाम्पल और देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक था एका मूवमेंट, एका मूवमेंट, ठीक है, और ये मूवमेंट किसने चलाया था, ये मूवमेंट चलाया था मदारी पासी ने, मदारी पासी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, माइट बी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट सामने आते हैं, एक बाबा रामचंद्र जिसको लीड करते हैं, और दूसरा एक मदारी पासी जिसको लीड करता है, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, पीजेंट्स में पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट यहां पर शुरू हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट वाले में ही आपको ये वाला डायग्राम जो है फिर से क्रिएट कर दे रहा हूं। देखिए तो हम बात कर रहे हैं, पहला मैंने आपको बता दिया, ए वाला समझ में आ गया, पीजेंट मूवमेंट, मैंने इसमें आपको पीजेंट मूवमेंट्स में बेसिकली दो मूवमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। पहला बाबा रामचंद्र का, वो आप पीछे वाली स्लाइड पे देख सकते हैं उसके डिटेलिंग्स। तो बाबा रामचंद्र का यहां पर मूवमेंट हुआ, और दूसरा मूवमेंट मैंने जो आपको बताया वो था मदारी पासी का, मदारी
पासी जो मूवमेंट का नाम है उसका नाम है एका मूवमेंट, एका मूवमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए बी पॉइंट देखिए, पीजेंट मूवमेंट्स का बी पॉइंट। अब यहां पर जब ये मूवमेंट सामने आए तो होगा क्या भाई, यहां पर क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, इनको यहां पर बेगार वो करने को कहा जाता था। बेगार, बी ई जी ए आर, बेगार का मतलब होता है कि आपको बिना वेजेस दिए आपसे काम करवाया जाएगा फोर्सफुली। तो बेसिकली बेगार क्या होगा, फोर्सफुली, फोर्स हो तो यहां फोर्सफुली क्या करा जा रहा है, फोर्सफुली आपसे कहा जा रहा है दैट यू हैव टू वर्क एंड दैट टू विदाउट वेजेस, बिना वेजेस के आपको यहां पर काम करने को कहा गया। तो पीजेंट्स को एक तो बेगार कहा गया, बेगार करने को कहा गया, दूसरा दे वेर मेड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो दे वेर मेड टू वर्क, कहां वर्क करने को कहा गया, जो लैंड थी किसकी, या हम बोल सकते हैं जो फार्म्स थे, आप फार्म लिख लीजिए इसको, जो बेसिकली यहां फार्म्स थे किसके, लैंड ओनर्स के, उनके यहां पर फार्म्स पे काम करने को बोला गया, और कहीं कहीं तो उनको बेगार करने को कहा गया। बेगार करना मतलब कि आपको फोर्सफुली काम करवाया जाएगा बिना पैसे दिए। तो आप सोचो, अब आपको अगर ये कह दिया जाए दैट यू हैव टू वर्क विदाउट एनी वेजेस, कितना टाइम काम करोगे, अगर आपको फोर्सफुली करवा रहे हैं, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, एक महीना, एक साल, फिर आप एक टाइम के बाद रिवोल्ट कर जाओगे, भैया हमसे नहीं होगा और हम करेंगे भी नहीं, हमको चाहिए पैसे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर टू, पीजेंट मूवमेंट्स, ये दो मूवमेंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, पीजेंट्स को बेगार करने को कहा गया और वर्क करने को कहा गया, कहां, फार्म्स में, किसके, जो लैंड ओनर्स थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स, अब इन पीजेंट्स का कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, मतलब इनको कभी भी लैंड से निकाल फेंकते थे, अगर ये वहां काम भी कर रहे थे तो उनको लैंड से कभी भी निकाल के फेंक देते थे। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं था कि आज वो यहां काम कर रहे हैं तो हमेशा करते रहेंगे या बहुत टाइम तक कर पाएंगे, एनी टाइम दे कैन बी फायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड। ठीक है, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी था कि जो पीजेंट्स हैं, इन पीजेंट्स का कोई भी यहां पर राइट नहीं होता था, किसमें, नो राइट इन दी, नो राइट इन दी लीज्ड लैंड। तो जो भी लीज्ड लैंड थी उसमें यहां पर कोई भी राइट इन पीजेंट्स का नहीं होता था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर पीजेंट्स की हालत थी, एक तो मूवमेंट बेचारे कर ही रहे थे, ऊपर से आप उनको बेगार करने को बोल रहे हो, यू आर आस्किंग देम टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट ऑफ वेजेस, यू आर मेकिंग देम फोर्सफुली वर्क इन दी फार्म्स ऑफ दी लैंड ओनर्स, यू आर गिविंग देम नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, आप कह रहे हो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल देंगे, एंड देन नो राइट इन दी लीज्ड लैंड, कोई भी राइट जो है वो लीज्ड लैंड में नहीं होता था। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। तो जब ये चीजें हुई तो यहां बेसिकली अब जो पीजेंट्स थे उनकी डिमांड क्या हुई, व्हाट वर दे डिमांडिंग बेसिकली, देखिए अब यहां इनकी डिमांड को तीन डिमांडें थी, याद कर लीजिएगा, डिमांड्स, पीजेंट बना लीजिए ऐसे ही, पीजेंट डिमांड्स, क्या डिमांड कर रहे थे ये सारे पीजेंट, पहला डिमांड क्या था उनका, पीजेंट्स का पहला डिमांड उनका यह था कि जो रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, उसको कम किया जाए। पहला डिमांड था रिडक्शन इन रेवेन्यू। पहले तो आप यही करिए कि भैया बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो, पहले वो कम करो, कहां से लाएंगे इतना पैसा, ये पहली डिमांड थी पीजेंट्स की। दूसरी डिमांड इनकी क्या थी, दे आर आस्किंग टू एबॉलिश, एंड एबॉलिश व्हाट, क्या चीज कह रहे थे एबॉलिश करने को, एबॉलिश बेगार, ये चीज एबॉलिश कर दीजिए, मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि फोर्सफुली मेकिंग पीपल वर्क विदाउट गिविंग देम वेजेस, एबॉलिश दिस थिंग, ये उनकी डिमांड हो गई थी। पॉइंट नंबर टू क्लियर। पॉइंट नंबर सी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो यहां पर सोशल लैंड ओनर्स हैं, यहां पर सोशल लैंड ओनर्स, या फिर आप सिंपली लैंड ओनर सोशली, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख लीजिए,
यहां थर्ड पॉइंट डिमांड थी कि सोशली बॉयकॉट कर दीजिए किसको, लैंड ओनर्स को। लैंड ओनर्स को यहां पर टोटली सोशली बॉयकॉट करने के लिए डिमांड रखी गई। तो ये तीन डिमांड्स हैं जो उन पीजेंट्स की थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उनको बेगार करने को बोला जाता था, उनको लीज्ड लैंड में कोई भी राइट नहीं होता था। सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स फॉर देम। इमेजिन दिस फॉर योरसेल्फ, आपको इन सिचुएशंस में काम करना पड़ जाए, अगर कुछ करना पड़ जाए, सो इट विल बी सो मच डिफिकल्ट आप लोगों के लिए भी, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी। एटलीस्ट काम कर रहे हैं तो उसका पैसा मिलना ही चाहिए, राइट? तो वही यहां पर ये लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है? ये इनकी डिमांड थी। अब देखिए जरा आप यहां पर क्या हुआ, और इनफैक्ट ये चीज तो ठीक थी, इसके अलावा यहां पीजेंट्स ने क्या किया, ये डिमांड किया, इन पीजेंट्स ने फिर नाई धोबी बंद का मतलब क्या हुआ, हिंदी का वर्ड है ये तो आपको पता ही होगा, नाई मतलब हो गया क्या, बार्बर, और धोबी मतलब क्या हो गया, वॉशरमैन। तो बेसिकली यहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो भी सर्विसेज हैं बार्बर की, वॉशरमैन की, ये दोनों सर्विसेज जो है बंद हो गई, मतलब बंद कर दिया, इन सर्विस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है? सो बार्बर एंड वॉशरमैन की सर्विसेज जो थी उसको क्या किया, रोक दिया, फुल स्टॉप मार दिया उस पर, सर्विसेज स्टॉप्ड, ठीक है? नाई धोबी बंद। अब क्या हुआ, ये तो खाली एक चीज थी, खाली इतना ही नहीं हुआ, इनफैक्ट बच्चों यहां पर एक चीज और हुई थी, और वो ये कि यहां पर अवध किसान सभा, इस चीज का यहां पर बनाया, ये चीज को यहां बनाया गया था, और अवध किसान सभा किसने बनाया था, इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था। ही सेट अप दिस पर्टिकुलर सभा अलोंग विद बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने इसको यहां पर सेटअप किया था, और इस पर्टिकुलर सभा का यहां मोटिव था कि लोगों के ग्रीवियंसेस को सुनना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव है टू लिसन टू द ग्रीवियंसेस, लिसन टू द ग्रीवियंसेस ऑफ पीपल। ये पर्टिकुलरली यहां पर इस अवध किसान सभा का ऑब्जेक्टिव था, याद रखिएगा। कुछ ही टाइम में क्या हुआ कि इनकी आपको देखेगा कुछ 300 यहां पर ब्रांचेस खुल गई, इस सभा की आपको 300 ब्रांचेस ऑल ओवर खुलती हुई दिखी, और फिर ये बड़े पैमाने पे ये सारी ब्रांचेस यहां पर काम करने लग गई थी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी ब्रांचेस अब यहां काम करने लग गई। अभी हम पीजेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम गए नहीं है उस पर। तो यहां पर भी यही चीज हुआ, जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में ये पर्टिकुलर अवध सभा किसान सभा बनाया गया, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारा अटैक होता है, यही सब, ये सब सभाएं आ गई, इसके बाद बहुत सारे अटैक होते हैं, किस पे अटैक होते हैं, पुलिस वालों पे अटैक होते हैं। यहां पर आप देखिए बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों पर अटैक होता है, एलिट ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, ये सारे अटैक्स वहां पर हो रहे होते हैं, ठीक है? इनफैक्ट टू दिस एक्सटेंट आप देखिए यहां पर क्या होता है अवध किसान सभा के टाइम पे, कि यहां पर लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं ब्रिटिश की पॉलिसीज से, बिल्कुल भी वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम मतलब। और दूसरी बात क्या होती है, मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग में कि ये सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे और ये अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते थे चीजों को। तो देखिए शहर के जो लोग थे, सिटीज में जो हुआ, वहां पर फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हो रहा था, वहां ये चीजें हो रही थी, वहां फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट था, वहां पर कह रहे थे फॉरेन क्लोथ इस्तेमाल नहीं करना है, एंटी लिकर के शॉप्स को पिकेटिंग करी जा रही थी, इलेक्शन काउंसिल्स को बॉयकॉट किया, शहर में हो रहा था ये सब। लेकिन हम पीजेंट्स की बात करेंगे, हम रूरल सिटीज में आ जाएंगे, रूरल एरियाज में, तो वहां पर देखिए नाई धोबी बंद, पीजेंट्स का रिवोल्ट हो रहा है, एका मूवमेंट बाय मदारी पासी एंड बाबा रामचंद्र अपना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, एग्रीरियन राइट्स हो रहे हैं, पीजेंट्स में आ गए गांव में, ठीक है? फिर देखिए अवध किसान सभा बनाई गई, अवध किसान सभा में लोगों को बताया गया कि गांधी जी ने जो है जो नॉन कोऑपरेशन का मैसेज दिया है, अब वो उस मैसेज को अपने आप से वो यहां पर इंटरप्रेट करने लग गए कि ये मैसेज कैसे चलेगा। तो उसमें वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो गए थे, बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग नेचर के भी हो गए थे, ठीक है?
तो ये चीज यहां पर जरूर याद रखिएगा कि आप देखेंगे कि यहां पर फिर पुलिस जो हुआ क्या, ये 385 खुल गई, तो यहां पर हुआ क्या कि ये लोग फिर रिवोल्ट करने लग गए। इनफैक्ट यहां पर आप देखेंगे कि पुलिस ऑफिस, पुलिस पे अटैक हुआ। इनफैक्ट नॉट ओनली पुलिस, जो और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की गई, ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको किल करने की यहां कोशिश की गई, ये सब चीजें यहां पर होने लगी थी। अब कांग्रेस जो है इन चीजों को क्या करेगी, इन चीजों को अलाउ तो कर नहीं सकती, बिकॉज महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा की बात करते हैं, वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। लेकिन पर बात क्या थी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग अपनी तरीके से स्वराज को सोच रहे थे, अपने तरीके से वो इंडिपेंडेंस को देख रहे थे कि भाई गांधी जी ने बोल दिया नॉन कोऑपरेशन, लेकिन कैसे करना है, कैसे डिफाइंड होगा, ये चीज नहीं बताया गया, ठीक है, ये चीज नहीं कहा गया, तो लोग अपने तरीके से कर रहे थे उसको। ये बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं यहां पर, ये तो हमने बात करी आपको पीजेंट्स की, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ट्राइबल्स की, ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स के टाइम पर यहां पर क्या हुआ, मतलब यहां ट्राइबल्स में आप देखोगे तो यहां क्या हो रहा था। देखिए एक यहां पर इंसिडेंट क्या हुआ, एक हिल है गुडिम हिल्स, ये आपको हिल्स मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अब देखिएगा, अब ट्राइबल्स अपने हिसाब से क्या करेंगे, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स तो हो गए जो बड़े बड़े किसानों के, बड़े बड़े लैंड ओनर्स के खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते हैं, जो मतलब आपको बहुत ही मतलब आइसोलेटेड है उनकी दुनिया, उन्होंने क्या किया, वो भी परेशान थे। तो देखिए गोल्डन हिल्स पे एक यहां घटना घटती है, और आप देखेंगे कि यहां पर मिलिट्री ग्यूरिल्ला वॉरफेयर होता है, मिलिट्री ग्यूरिल्ला वॉरफेयर, ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मिलिट्री की जगह आप इसको मिलिटिया लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह का गोरिल्ला, अभी देखिए ट्राइबल्स हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, मतलब छुप छुप के अटैक करना, ये चीज ये लोग करने लगे थे। स्पेलिंग आप इसकी जरा चेक कर लीजिएगा, वरना आप लोग क्या है ना, बच्चे लोग आप लोग ना इसी चीज को टोकने लगते हो, अरे भैया स्पेलिंग तो ठीक है, आप कहानी सुनो, मिलिट्री गोरिल्ला वॉरफेयर, इसका स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज, और कंप्लेन ना करिएगा गलत होगी अगर, तो ठीक है। तो गोडम हिल्स पे यहां पर क्या हुआ कि मिलिट्री ने यहां पर गोरिल्ला वॉरफेयर किया, और गोरिल्ला वॉरफेयर में यहां क्या कर रहे थे लोग, ये लोग बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे भी यहां पर ये लोग अटैक कर रहे थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर अटैक्ड, उन पे भी यहां पर अटैक किया गया था। ये सब चीजें देखिए ट्राइबल्स ने भी करी, ट्राइबल्स का भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि वो भी यहां पर ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं था, जब यहां पर क्या हुआ, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्या मना किया गवर्नमेंट ने, कि फॉरेस्ट एरिया में कोई नहीं जाएगा, गवर्नमेंट क्लोज्ड, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्या चीज, फॉरेस्ट एरियाज। अब जब गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया क्लोज कर देगी तो बच्चों आप लोग बताओ क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया क्लोज कर दिया, और मैंने क्या बताया, ट्राइबल्स ये कहां देखने को मिलेंगे आपको, हमेशा ये हमेशा आपको ऐसे आइसोलेटेड एरिया में देखने को मिलते हैं, आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज। इनफैक्ट आज भी देखिए तो ट्राइबल्स के लिए हमारे पास अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, अलग से मंत्रालय बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्लोज द फॉरेस्ट एरियाज, अब जब गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया क्लोज कर देगा तो डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो ट्राइबल्स की तरफ से मिलेगा। तो हुआ क्या था, जब गवर्नमेंट ने मना किया, तो गवर्नमेंट ने मना किया तो इसका इफेक्ट देखने को ये मिला कि पहली चीज इफेक्ट ट्राइबल्स का कि इनकी जो हार्डशिप्स थी वो बहुत बढ़ गई थी, हार्डशिप्स, और वो कैसे बढ़ गई थी हार्डशिप्स, यहां पर क्या ऐसा हो गया था, भैया इनको मना कर दिया गया, ये लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, अब क्या कलेक्ट फ्यूल वुड, अभी तक ये लोग फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे ना, अभी तक कलेक्ट करते थे फ्यूल वुड, जाते थे जंगलों में कलेक्ट करते थे, तो बेसिकली अब कैन नॉट, अब ये लोग फ्यूल वुड को कलेक्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये चीज हुआ कि अब ये लोग यहां फॉरेस्ट एरियाज में अब ये क्या एंट्री भी नहीं कर सकते थे,
एंट्री नहीं कर सकते थे तो ये लोग वहां पर रह भी नहीं सकते थे। ये प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया और क्लोज करने का नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे अब फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे। दे कैन नॉट लिव इन दी फॉरेस्ट, प्लस नॉट ओनली दिस, दे कैन नॉट इवन कलेक्ट दी फ्यूल वुड, ना ही जाके वो फॉरेस्ट से चीजों को इकट्ठा कर सकते थे। भाई अपने कहीं बाहर रह लेंगे, आग लगाने की लकड़ी चाहिए, वो सब कहां से आती थी? फॉरेस्ट से आती थी। अब वहां एंट्री उनकी बंद कर दी गई थी, समझ रहे हो आप? तो डेफिनेटली बात क्योंकि यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये लोग रिवोल्ट करेंगे। तो यहां गवर्नमेंट ने जब ये चीज बोला तो यहां पर ट्राइबल्स का रिवोल्ट होता है। ट्राइबल्स रिवोल्ट करने से पहले मैं ये लिखूंगा यहां पर कि ट्राइबल्स में बेसिकली बहुत ज्यादा ट्राइबल्स जो है वो कह सकते हैं कि परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आई शुड राइट फ्रस्ट्रेट, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? आप उनके जगह जहां वो रहते हैं वही, उनका खाना पीना वही छीन रहे हैं उनसे आप, डेफिनेटली दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड। और फाइनली आप देखोगे आफ्टर इन फ्यू इयर्स यहां पर क्या हुआ कि ट्राइबल्स ने फिर बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया। पहले फ्रस्ट्रेट हुए एंड देन फाइनली दे रिवोल्टेड। क्यों रिवोल्ट किया उन्होंने? क्योंकि ट्राइबल्स ने अपने इन राइट्स को जीतने के लिए, फॉरेस्ट राइट्स को जीतने के लिए दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ट्राइबल्स ने क्या किया, इन्होंने यहां प्रोटेस्ट किया कि भैया हमको हमारे फॉरेस्ट राइट्स चाहिए। और जब ये लोग फॉरेस्ट राइट्स की डिमांड कर रहे थे तो यहां पर इनके इस पर्टिकुलर डिमांड को क्रश कर दिया गया था। और जब इनकी डिमांड क्रश हो गई तो अब ये ट्राइबल्स वाले लोग रिवोल्ट कर दिए। और जब ये रिवोल्ट किए तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी का नाम सामने आता है और वो है अल्लूरी सीताराम राजू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम। इसने क्या किया, इसने इस ट्राइबल लीडरशिप को, ट्राइबल रिवोल्ट को यहां लीडरशिप दिया, इसने यहां पर इनको लीडरशिप प्रोवाइड किया। ठीक है, ये चीज हमको यहां याद रखनी है, क्लियर? तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब ये जब राजू यहां पर आया, सीताराम राजू, सो ही स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग थिंग्स कि भैया हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन टेल यू एस्ट्रोलॉजी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इनफैक्ट आप अगर मुझे यहां पर बुलेट से मार भी दोगे तो भी मैं यहां पर मरूंगा नहीं, ये उसने बोलने लगा। जब उसने इतना बोला तो पीपल सेड कह रहे भैया ये तो इनकार्नेशन ऑफ गॉड है, ये तो भगवान साक्षात उतर आए हैं, तो इनको यहां बोला जाने लगा कि ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। ये चीज यहां पर होने लगी, याद रहेगा इतना। ये हमारे हो गए ट्राइबल्स के मूवमेंट जो उस समय चल रहे थे। अब खाली चीजें इतनी तक ही सीमित नहीं थी, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो एक लास्ट पोर्शन बचता है और वो बचता है कि जो प्लांटेशंस थे, स्वराज इन प्लांटेशंस, ये हेडिंग आप डाल सकते हैं, स्वराज इन प्लांटेशंस। तो यहां जो प्लांटेशन फील्ड्स थे, जैसे टी का फील्ड है, टी की प्लांटिंग होती है, तो वहां पर स्वराज का क्या मतलब था उस जगह का? देखिए वहां पर क्या था कि अगर आप इनकी बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल असम की बात कर रहे हैं अगर हम, तो असम में फ्रीडम का मतलब क्या होता था? असम में फ्रीडम किसको कहते थे? वो लोग कहते थे फ्रीडम किसको बोलते थे कि अगर आप किसी एक एंक्लोज जगह से टू एंड फ्रो आना जाना लगा रहे हैं तो उसको बोलते थे कि ये फ्रीडम है। ठीक है, तो उनके लिए फ्रीडम क्या होती थी? वो कहते थे कि टू एंड फ्रो मूवमेंट, कहां से? विद इन एन इंक्लोज एरिया, एक इंक्लोज एरिया के अंदर आप टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं, ये चीज यहां बोला गया। लेकिन साथ में ये तो था ही, इनके यहां फ्रीडम का मतलब ये भी था साथ में कि आप ये मूवमेंट तो करिए, प्लस आपको यू हैव टू रिटेन अ लिंक बिटवीन दी विलेजेस, रिटेन अ लिंक, एक आपको लिंक यहां रिटेन करनी है विद विलेजेस, गांव से आपको कनेक्शन नहीं तोड़ना है। ये चीज यहां पर इनका फ्रीडम का मूवमेंट था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि एक यहां पर एक एक्ट बना, उस एक्ट को बोलते हैं हम लोग इनलैंड एमिग्रेशन, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब ये एक्ट यहां पर बन गया। इस एक्ट के तहत क्या बोला गया,
यहां पर क्या कहा गया इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत कहा गया कि कोई भी प्लांट जो प्लांटेशन वर्कर है वो अपने प्लांटेशन गार्डन को या प्लांटेशन एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा विदाउट परमिशन। सो उस पर्टिकुलर आदमी की मूवमेंट पे यहां पर रोक लगा दी गई। और असम के अंदर भाई हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन, टी प्लांटेशन कहां मिलेंगे? असम के तहत मिलेंगे, दार्जिलिंग टी सब हम सुनते ही हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया, इस एक्ट के तहत उनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। और मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ कि जो असम का बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे थे, उनके आप फ्रीडम को कर्टेल कर रहे थे। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो बेसिकली इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 से क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मूवमेंट, और किसके मूवमेंट पे? इन पर्टिकुलर टी प्लांटर्स। और कैसे? विदाउट परमिशन। आप बिना परमिशन जो है आप मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब यहां पर इन लोगों को पता चला, जब इन लोगों को यहां पता चला कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां लॉन्च हो गया है, तो अब इन लोगों को लगा कि अरे अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका है, इसका मतलब यह है क्या कि अब गांधी राज आने वाला है। ये लोग समझने लगे कि भैया अब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो चुका है मूवमेंट, अब गांधी राज आने वाला है। तो इन लोगों ने कहा, ट्राइबल्स ने, इन्होंने कहा जो यहां काम कर रहे थे प्लांटेशन हाउसेस में, गार्डन्स में, कि अब हम यहां अथॉरिटीज की बात नहीं सुनेंगे। सो बेसिकली व्हाट दे सेड, वी विल नॉट लिसन, किसको? जो अथॉरिटीज थी, लिसन टू ब्रिटिश अथॉरिटीज, हम ब्रिटिश अथॉरिटी को नहीं सुनेंगे। और उन्होंने क्या किया, ये लोग प्लांटेशन गार्डन से बाहर निकले, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स देयर हाउसेस, दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स देयर हाउसेस। निकल गए वो अपने प्लांटेशन हाउसेस छोड़ के, प्लांटेशन के एरिया को, रीजन को छोड़ के वो बाहर निकले और वो अपने घर की तरफ जाने लग गए। क्योंकि उनको लग गया था क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका है, गांधी राज आने वाला है। और इनफैक्ट यहां तक ये सब बातें भी होने लगी थी जो ट्राइबल्स में हो रही थी एक्चुअली, कि ट्राइबल्स के टाइम में ये हो गया था कि भैया गांधी जी ने मना किया है टैक्स देने को, टैक्स मत दीजिए, और जो लैंड है वो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाली है अमंग दी पुअर पीपल। यही बातें यहां पर भी हो रही थी। इन लोगों को जो यहां पर काम कर रहे थे इन प्लांटेशंस में, वो लोग बात यही कर रहे थे कि हमको अब बात सुनने की जरूरत नहीं है ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया है और गांधी जी ने मना किया। गांधी जी ये ऐसी बातें प्रोपोगेट करी गई, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं बोले थे। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां अलग अलग लोगों की अलग अलग यहां पर वो थी, इंटरप्रिटेशन था स्वराज को लेकर। कोई कुछ समझ रहा था, कोई कुछ समझ रहा था, ठीक है। तो यहां पर ये लोग निकले, उन्होंने घर द्वार, उन्होंने मार्च किया, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स देयर हाउसेस, लेकिन वो रास्ते में उनको ब्रिटिश अथॉरिटीज रोक लेती हैं एंड देन दे आर बीटन। उन लोगों को बहुत मारा जाता है। तो ब्रिटिश ने एक तरीके से जो ट्राइबल्स निकले थे, जो स्वराज जो प्लांटेशन में काम करते थे प्लांटेशन गार्डन्स में, जब ये बाहर निकले तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाए और इनको बहुत ज्यादा मारा भी गया, दे वे ब्रूटली बीटन। तो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां पर सप्रेस कर दिया गया। भाई हम यही देख रहे थे ना, भाई किस तरह से हम नॉन कोऑपरेशन से टूवर्ड जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस, तभी तो भाई ये मूवमेंट कहीं ना कहीं फेल होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आएंगी, तभी तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो हमारा नॉन कोऑपरेशन ही चलता रहता। लेकिन इस तरह की चीजें यहां देखने को मिली। और अलग अलग, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे और हर ग्रुप अपना अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था कि क्या चीज स्वराज होगी। शहर के लोग अलग तरीके से देख रहे थे, मैंने आपको दिखाया। पीजेंट्स लोग अलग समझ रहे थे कि क्या चीज स्वराज होती है। ट्राइबल्स लोग अलग समझ रहे थे, उनके लिए स्वराज पाने का तरीका अलग था। और यहां जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये लोग भी यहां क्या, ये लोग छोड़ छाड़ के निकल गए आगे। तो सबका यहां पर अलग अलग यहां टोटली जो है सिनारियो था। अब इस सिनारियो में यहां पर जो काम था कांग्रेस का काम क्या हो गया? कांग्रेस का काम यह था कि ये जितने भी यहां पर लोग थे, डिफरेंट कैटेगरी से जितने भी लोग थे, डिफरेंट सोच जो रख रहे थे, उनको यहां पर यूनाइट करने का काम कांग्रेस का हो गया। ये काम यहां कांग्रेस करती है, ठीक है। तो यहां हमारा जो पार्ट टू था इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हुआ। मैंने उसको जितना आप देखोगे तो फुल्ली आपको, टोटली आपको वो पूरा चैप्टर जो है पूरा
सब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन यहां मैंने जितना भी आपको ही किया है, जितने भी आपको, आप देखिए हर स्लाइड लगभग आपको यहां मैंने इस तरह से दिया, पॉइंट वाइज दे दिया है, सारा निचोड़ मैंने आपको यह निकाल के दे दिया है। इसी तरह से आप याद कर लेंगे, इसी तरह से आप चित्र बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ABCD ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। चलिए फिर ये इसको यहीं रोकते हैं, अगले वाले लेक्चर से जो है हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, और जो है अपने जो भी क्वेश्चंस मैं पूछा करूं तो उनके कमेंट्स में आप आंसर सब लोग जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।